था, तो मेरा ड्रीम था यहाँ पर आ जाऊँ और ड्रोन शॉट्स ले लूँ, स्पेशली ड्रोन शॉट्स। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम नारा। कल रात हम तकरीबन 8:30 बज रहे थे, हम पहुंच गए नारान में। जैसे पहुंच गए हम थक गए थे, कल थक के हम सो गए थे। और कल रात को आप लोगों से यही कहा था कि कल सुबह या कि अगले व्लॉग में आप लोगों को अपना कमरा दिखाऊंगा, कमरे का रिव्यू दिखाऊंगा, रिव्यू करूंगा, कमरे को रिव्यू करूंगा, उसके साथ ही साथ कमरे के दिखाऊंगा कि हम कितने बंदे हैं, कितने बंदों को हमने एडजस्ट कर लिया था। तो फिलहाल कमरे का रिव्यू चेक करते हैं, कमरे के रिव्यू के बाद आप लोगों से बात करते हैं नारायण के बाज़ार में, और उसका ड्रोन शॉट्स लेंगे। ड्रोन शॉट्स के साथ ही साथ फिर हम निकल लेंगे नाश्ता करने के लिए, और नाश्ते के बाद हम निकलेंगे 2 घंटे की ट्रैक में और जीप में जाएंगे इंशाल्लाह। लोग नारायण से निकल गए थे सैफुल मुलुक के लिए, तो ये ऐसा रास्ता था जहाँ पर हम लोग गिरे तो सीधा मौत, ऐसे ख़तरनाक रास्ते थे। तो नारायण से सैफुल मुलुक का रास्ता तकरीबन 1 घंटे का था, तो हमारा सफ़र इतना ख़तरनाक था कि जैसे ही गिरे, गाड़ी गिरा तो मौत, हमें ऐसे डर लग रहा था। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह इतने थकावट और इतने जलील और कुंवारी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पहुँच गए। ये पीछे जो आप लोग लेक देख रहे हैं, सैफुल मुलुक, जो मैंने बहुत सारे वीडियोस में स्पेशली देखा था, तो मेरा ड्रीम था यहाँ पर आ जाऊँ और ड्रोन शॉट्स ले लूँ, स्पेशली ड्रोन शॉट्स यहाँ का ले लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इतने जलीली और कुंवारी के बाद पहुँच गए सैफुल मुलुक, और आप लोगों को ड्रोन शॉट्स दिखाएंगे। मगर यहाँ पर सर्दी तो बहुत है, हम नीचे जाएंगे थोड़ी सी, अगर वहाँ पर बर्फ़ हुई तो हम थोड़ी सी बर्फ़बारी करेंगे, बर्फ़ मारी, एक मुझे मारेगा, एक उसको मारेगा, इसी तरह हम बर्फ़बारी करेंगे, बर्फ़ मारेंगे। तो अभी पीछे के जो सैफुल मुलुक है उसके ड्रोन शॉट्स आप लोग देखें, मगर सबसे पहले हम करेंगे नाश्ता। नाश्ता ज़रूरी है, हम कब से वहाँ पर निकले हैं, यहाँ पर आ चुके हैं, मगर अभी तक हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया। नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद सैफुल मुलुक का ड्रोन शॉट्स देखें। खतरनाक ही रहा सर चक्कर जूस जूसी वार्ता तोड़ सा उल्टी कुत्ता संजय बेजदार बड़ा नमशी पार्टी का नाश्ता का नाश्ते तैयारी चके मल्ले सब बेचो जी 10 बजे 9 बजे भी 10 बजे आओ 10 बजे पता ही नाश्ता करना मारा हूँ। जुल्फे मुदा चमे के फां राधे मारा
कार कपता जुल्फे नूदा चमे कैफा दादे मारा कार कपता परम शाइन क्यों नहीं शाइन सक शौके और मैं चश्मा जो अमशी हुआ सके टी लगा मकशी और इसको लगते है डर हाँ इसको बहुत डर लग रहा है देखो इसके हाथ कितने कांप रहे हैं या चेस्टी का चू ग्रां है जाओ नहीं नहीं जिंदगी या मारा बस पा यकीन कारा कार कपता जुल्फे नूदा फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हम लोगों ने ड्रोन शॉट्स ले लिए सैफुल मुलुक का और अभी नीचे जो रिवर है हम अभी जा रहे हैं उधर वहाँ से भी ड्रोन शॉट्स लेंगे अब ऊपर से आप लोगों को दिखाया अब नीचे जा रहे हैं वहाँ पर हम बैठेंगे बोट पे ये जाओ लेडेट मुझे बोल रहा है कि अपने आप को संभालो कि कैमरा गिर ना जाए मुझे चाहे कुछ भी हो जाए मगर कैमरे को कुछ होना नहीं चाहिए किसी भी हादसे की सूरत इंतजामी मदद मगर यहाँ पर इंतजामी का कोई हाथ नहीं है ना यहाँ पर हमें खुद अपने आप को ख्याल रखना पड़ेगा आप जा रहे हैं नीचे कुछ ड्रोन शॉट्स लेंगे यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग विंड वार्निंग भी मिल गया था अब नीचे जाएंगे हम लोग डर गए थे कि ड्रोन गिर ना जाए हाँ और ये एसडी कार्ड का भी बार बार मसला कर रहा है पता नहीं एसडी कार्ड का मसला क्या आ रहा है और भी मुझे देखना पड़ेगा और कुछ और भी मुझे देखना पड़ेगा अब जाएंगे नीचे थोड़ी सी बोट राइडिंग करेंगे पिछले वीडियो में भी बोट राइडिंग किया था इस मरतबा फिर बोट राइडिंग होगी और अभी हमारे एक दूसरे दोस्त हैं वो है साहिल सागर का ड्रोन के बैटरी सारे ख़त्म हो चुके हैं उसको मैं पावर बैंक दूंगा और अपने वो भी चार्ज करेगा बाता मन मेरा ता पम यारा कार कपता उफ मबाता मन मेरा ता पम यारा कार कपता जुल्फे ने सीढ़ी पार करने के बाद हम पहुंच गए नीचे झील सैफुल मुलुक हम कोशिश करेंगे कि यहां पर हम बोट में बैठें पता नहीं बोट में बैठना होगा या नहीं होगा मगर पीछे जो पहाड़ के बर्फ जमे वहां पर हम जाएंगे तो किसी ड्रोन उठा लेंगे खबर को हलवता फाइनली सैफुल मुलुक के झील से निकल के हम अब जा रहे हैं बर्फ जहाँ पर पहाड़ के ऊपर बर्फ जमे हुए हैं हम उधर जा रहे हैं हम ऊपर चढ़ रहे हैं तो मेरी सांस सही तरीके से नहीं बोल रहा ना तो ऊपर जाएंगे तो ऊपर के थोड़ी सी ड्रोन शॉट्स लेंगे अब कैमरा इतना भारी है ना तो उसको उठाने में बहुत तकलीफ हो रहा है मुझे और एक और बात मैं एक व्लॉग के बजाय दो व्लॉग का कैमरामैन हूँ एक अपना कैमरामैन एक दूसरे जाओ लेडेट का कैमरामैन हूँ तो इसलिए जाओ लेडेट को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए अगर हम लोग अगर हम लोग जिंदा रहे तो हम वापसी में इसी व्लॉग के साथ मिलेंगे तब तक के लिए
पीस आउट और सीन्स चेक करें। बहुत जबरदस्त है, बहुत प्लेस भी जबरदस्त है, मजा आया, का व्यू जबरदस्त है, मजा तो बहुत आया, इतना मजा जिंदगी में कभी नहीं आया। मैंने तो ड्रोन से देख लिया, ड्रोन से देख लिया सारा व्यू, ड्रोन से देख लिया। तो हमारा क्यों शॉट नहीं लिया? क्यों ले लूं? आप तो उधर ही चले गए। मैं तो स्लाइडिंग कर रहा था। वो स्लाइड के टाइम पे तुमने मुझे बताया कि ये मेरा ड्रोन शॉट ले लो। तो आप यहाँ नहीं थे, आप यहाँ होते तो बता देते। मैं आ गया था ना, फिर भी आप ड्रोन शॉट नहीं लेते। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी ड्रोन शॉट लिया। चलो चले, दो ड्रोन है वैसे भी हमारे साथ। एक साल के ड्रोन शॉट्स के बैटरी खत्म हो गए। वारिस असा हमारे साथ मौजूद हैं। वारिस से हम पूछेंगे कि वारिस को ये सैफुल मुल्क का झील कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया, बेहतरीन था, बहुत मज़ा आया। वहाँ पर जून है, वहाँ पर बहुत गर्मी है तुर्बत में। जब हम यहाँ आए तो थोड़े हैरान भी हुए कि इस जैसे जगह पर हम पहुँचे हैं कि वहाँ पर सर्दी है और एक ही महीना है, लेकिन वहाँ पर हमारे पास गर्मी है और यहाँ पर सर्दी है। तो बहुत अजीब तो महसूस हुआ, लेकिन बहुत बेहतरीन है, बहुत ही खूबसूरत है ये जगह। सब क्वेश्चन आखिरी जो बात था वो बहुत मज़ेदार की बात था। सब क्वेश्चन फाइनली मेरा इरादा तो इतना नहीं था कि मैं आप लोगों को वापस नारायण का पूरा व्यू दिखाऊं, मगर हमारे दोस्त जो कैप्टन साहब हैं, जो ताहिर हसन, उसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं, स्पेशली शुक्रगुजार हैं उसका कि उसने हमें ये मौका दिया कि नारायण का ऊपर से देख लिया जाए। कि जाते जाते नारायण को अलविदा भी कहें ना, कि नारायण को हम बहुत मिस करेंगे। और यहाँ पर ये पानी जो ऊपर जो बर्फ़ दिखाया था आप लोगों को, ऊपर ये बर्फ़ हैं, बर्फ़ जो जमे हुए थे, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र और यहाँ से इस चीज़ का सफ़र। यहाँ पर देखो ये है नारायण, तो नारायण का मनाजिर तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो नारायण इज़ ब्यूटीफुल, मार्वेलस, और नारायण की जो खूबसूरती है उसकी जितनी तारीफ़ करें वो कम है। मगर अगर जब भी आप लोगों को मौका मिले तो लाजमी नारायण को विज़िट कीजिएगा, नारायण को विज़िट करना है हर हाल में। अगर मुझे एक और मौका मिल गया तो इंशाल्लाह ताला मैं अपने फैमिली के साथ आऊँगा यहाँ पे छुट्टियाँ मना। जब ये लोग अपना म्यूज़िक वीडियो का शूट कर रहे थे, अपना व्लॉग्स बना रहे थे, तो मैं अपना प्रमोशन कर रहा था कि उसामा बलूच को सब्सक्राइब करो। क्या करो? बोलो सब्सक्राइब करो, बोलो अजय बोलो कुछ अपनी जुबान में बोलो। आप इस बार गुस्तारी है, गुस्तारी में बोलो, मसला नहीं है। हाँ बोलो,
अपने जबान में बोलो, अगर उर्दू में नहीं बोल सकते तो अपनी जबान में बोलो। अच्छा नहीं बोल सकते, ये बंदा शर्मा रहे कैमरे से, शर्मा रहे हो नहीं। कारण को कहेंगे अलविदा, आप लोगों को कहेंगे भी अलविदा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, अगले दिन, अगले एपिसोड में। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप अभी नए आए हो फिर से सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट। वीडियो टिकटॉक के लिए बनाऊंगा, बता रहा हूँ तुझे पहले से, बनाओ जो बाद में ये नहीं बोलना तुमने टिकटॉक में क्यों डाला। नहीं नहीं सही है, परमिशन मिल गया बिल्कुल।